अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सेना की ओर से घुसपैठ की खबर आई है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि शुरुआत में 200 चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश की थी, जिन्हें महज 50 भारतीय सैनिकों ने पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। इस घटना में कई चीनी सैनिक घायल हुए तो कुछ भी भारतीय भी, तभी रिइंफोर्समेंट के साथ 100 चीनी सैनिक और पहुंच गए तो उन्हें बल मिलने लगा। लेकिन भारतीय सेना के 75 जवान भी वहां पहुंच गए और सभी 300 चीनी सैनिकों की धज्जियां उड़ा दी। इस पूरे घटनाक्रम में 3 दर्जन से अधिक चीनी जवान बुरी तरह से घायल है, वहीं 1 दर्जन भारतीय जवान भी घायल है। स्थानीय बीजेपी सांसद ने बताया कि भारतीय सैनिकों ने एक भी चीनी सैनिक को भिड़ंत की जगह के 1 भी इंच आगे नहीं आने दिया। ये मैगमोन लाइन में पीएलए और इंडियन आर्मी के साथ इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट में बोथ साइड में इंजर हुआ, अपना इंडियन आर्मी में भी बहुत लोगों को इंजर हुआ, लेकिन सेना में मेजर इंजर हुआ, ये हमको भी खबर दिल्ली में बैठ के मिल रहा है। मुझे ये कहना है कि ये मैकमोहन लाइन में ये बार बार इंसिडेंट होना इंडिया और सेना का रिश्ता के लिए भी खराब है, और साथ में आई पर्सनली कंडेम द एक्ट ऑफ पीएलए। पीएलए ने जो काम किया ये बहुत गलत है, बल्कि उन्हें बुरी हालत में वापस लौटने को मजबूर कर दिया। अरुणाचलिस्ट लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद तापिर गांव ने कहा कि मैंने तवांग सेक्टर में चीनी घुसपैठ के बारे में सुना, पूरी जानकारी जब सामने आई तो पता चला है कि पीएलए के जवानों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। वो एक चोटी से भारतीय पोस्ट को हटाना चाहते थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। कुछ भारतीय जवान घायल है तो उससे कहीं ज्यादा नुकसान चीनी जवानों को पहुंचा है। भारतीय सेना सीमा पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटी है। उन्होंने चीनी घुसपैठ की निंदा की और पूरे वाक्य को भी चीन की बदमाशी से जोड़ा है। इस बीच एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मामले को लोकसभा में उठाने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य पर किसी को शक नहीं है, लेकिन सरकार को अपनी मंशा साफ करनी चाहिए। ये पूरा घटनाक्रम 9 दिसंबर का है और पूरे देश को इसकी जानकारी 12 दिसंबर को मिल रही है, वो भी तब जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, न कि मामले को दबाने की कोशिश करनी चाहिए। के सामने नहीं चलता है, जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता ये सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। राजीव गांधी फाउंडेशन